देता था। अरे क्या दे तू, ये कोई आने का समय है? अरे हमारे बलिया में ना जो समय से आता है ना उसका समय ही सो जाता है, और जो आखिर में आए वो इज्जत कमाए, समझी लगती बहन? पना राज को और परिवार ने पूजा छे, इस घर में सब समय से ही होता है। बाप रे राजकौर, नाम तो बहुत भारी है। अरे नाम ही नहीं काम भी भारी है इनके। पता है पिछले साल सदी का सबसे बड़ा भूकंप आया था ने, अरे कितने घर उजड़ गए थे। इस राजकौर परिवार ने सहायता कहा था आगे बढ़ाए तो पीछे नहीं लिया। अरे कितने घायलों का इलाज करवाया, हर घर में खाना पहुँचाया इन्होंने। अच्छा हाँ, तनिक हमें भी तो दिखाओ कौन है ये देवलोक के प्राणी। ये है अंबिका बहन, राजकौर परिवार की सबसे बड़ी बहू। तो जैसे पिक्चर की हीरोइन। पर सिंदूर का है ना लगाई? जब पति का संग छूट जाए तो सिंदूर का रंग नहीं सोपता शकुंतला बेन। कुछ साल पहले ही धीरेन भाई अकेला छोड़ के चले गए इनको, तब से इन्होंने ही सब संभाला हुआ है, इस परिवार को भी और धंधे को भी। अच्छा, पर राजगौर परिवार में कोई दूसरा बिटवा नहीं है का? अरे है ना, वो उनके बड़े देवर परिन भाई और उनकी पत्नी जीनल। अच्छा, और वो? वो उनके छोटे देवर जिनेश भाई और उनकी पत्नी हेतलबेन। बड़े बुजुर्गों का कहना सही साबित हो गया कि बहू केवल बहू होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू बेटी इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि सास उसे माँ की नजर से कभी देख ही नहीं पाती जैसा आप नहीं देख पाई। अंबिका बेन, तुम्हें ठीक तो छो ने? अंबिका बेन, मैनेजर साहब शू थयो? मैं आप ही के पास आ रहा था, पुलिस वाले आज आए थे और वो ये नन्ही बच्ची थमा गए। इतनी छोटी उम्र की बच्ची को हमारे अनाथ आश्रम में कैसे पालूं समझ में नहीं आ रहा था। मैंने खुद भी इसको संभालने की कोशिश करी पर रोते रोते कब इसकी आवाज बंद हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा। अंबिका बेन देखो ये एकदम सुन भी पड़ गई है, कहीं कुछ अनहोनी तो ना हो गई हो। जुड़ी लाडली तू लाडली जन्म जन्म।
केवल बहू होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू बेटी इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि सास उसे माँ की नजर से कभी देख ही नहीं पाती। जितना आपने दिखाई बहुओं को सास के पैर दबाते हुए देखा था, सास को बहू के पैर दबाते हुए पहली बार देख रही हूं। सर मैं दे रही हूँ तुमको। कोई दो ना। हाँ मैं दे रही हूँ, सबको मिलेगा। आपको पता है ना मुझे बासन दिखना पसंद है। मुझे पता है तुमको मिलेगा। जीनल वो जरा देख के बता तो आसमान में छेद हुआ कि नहीं। वाओ अंबिका वो जी बा बात मान मारी साचू कही दे केसर ने, वरना इसकी गलतियां रुकेंगी नहीं। ऐसा हो सकता है जब इसे पता चले कि वो इस घर की बेटी नहीं होने वाली बहू है, तो हो सकता है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम मुस्कुराने लगी? कुछ नहीं बा,
सोच रही थी कि गलती बेटी की हो तो छुप जाती है, बहू की हो तो छुप जाती है। मुझे ताना मार रही है तू? अरे नहीं बा, लेकिन अभी समय नहीं है उसे सच बताने का। तो फिर सही समय का इंतजार कर तू। तुम्हारी मोटी बहू पुत्र ना पारना माँ न बहू ना बारना माँ, भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसके लक्षण अगर ऐसे ही रहे ना तो ये इस घर की क्या किसी घर की बहू नहीं बन पाएगी। मेरे भाई से बदतमीजी करने का हिसाब बराबर। तिलचट्टी अब बच के दिखा दू। दहेज में लाई थी जो गटर में फेंक दी। मुझे चाहे जितना डांट लीजिए, मेरी माँ के बारे में कुछ गलत सलत मत कहिएगा। छोकरी गज भर का जवान। अम्मा उसको लग रही है। तो तेरी आंखें कहाँ ऐट रही है? सामान निकाल गटर से। कौन है तेरी अम्मा? बोल। अंबिका वीरेन भाई राजगढ़। वाह, ऐसे गोद लूंगी पर बेटी की तरह नहीं, एक बहू की तरह। अब से पूरा संसार उसे केसर के नाम से पुकारेगा। केसर सूरज राजकौर। कान खींचा बहुत जोर से। अरे दादा आधी बात बता के काहे बदनाम कर रही हो? अंबिका बहन सच तो आप हमसे सुनो, आपकी छोरी ना बहुत ही उग्रवादी है, हमारा सारा सामान गटर में फेंक के बर्बाद कर दी। मामी केसर की गलती नहीं है सच्ची। हाँ काकी, लड़ाई पहले इन्होंने ही शुरू की थी। केसर तो बस उन बदमाशों को सबक सिखाना चाहती थी बड़ी माँ, जिन्होंने मुझे धक्का मारा। तूने इनका सामान गटर में फेंका? आपके नुकसान के लिए मैं माफी मांग रही हूँ, पर आपको बच्चे के कान नहीं खींचने चाहिए थे। सही कह रही हैं अंबिका जी, मुझे नहीं खींचने चाहिए थे इसके कान, बल्कि आपको मरोड़ने चाहिए थे इसके कान। मरोड़ती तो शायद आपके सपने सच हो जाते। कहना क्या चाहती हैं आप? भूल गई आप? 12 साल पहले अरे यहीं थे हम, यहीं थे, सबके सामने अपने नगाड़ा बजाया था। ममता के साथ संस्कार दूंगी, समाज की सोच, संसार के नियम सब बदल दूंगी। पर इसे देखकर तो नहीं लगता है कि आप अपना संकल्प भी पूरा कर पाएंगी। माँ ये किस संकल्प की बात कर रही है? लो कर लो बात, देखिए तुम्हें इतना भी नहीं पता तो बात चलिए तो हम बता ही देते हैं। बिटिया तुम कोई साधारण बिटिया नहीं हो, तुम्हारे इस नाजुक कंधों पे जिम्मेदारी की बोझ
बहुत भारी बोझ है। बरसों से चली आ रही रीत को तुम्हें बदलना है। बड़े बुजुर्गों की बनाई बुनियाद को तोड़कर सपनों की इमारत को खड़ी करनी है और अपनी माँ अंबिका बहन धीरेन भाई राजगौर के संकल्प की लाज रखनी है तुमको। का तुम सब कर पाओगी? माँ ये क्या बोल रही है? जानने की ललक है तुमको तो हम बताते हैं तुमको सच बिटिया। और सच ये है बिटिया कि तुम इस परिवार की शकुंतला जी। अरे जल्दी करो जल्दी करो, शू करो छो, हमरा बता मेहमान आवी जशे, जल्दी करो भाई। भाभी भोग तो तैयार हो गया पर मोहन थाल अभी तक बना नहीं। अभी बन जाएगा जिनल बहन। शकुंतला है इधर तो कौन बात की फिक्र। जय अम्बे माँ। जय अम्बे माँ। आप माँ के दर्शन करके प्रसाद की तैयारी जल्दी शुरू कर दीजिए। ऐसा प्रसाद बनाएंगे अम्बिका बहन कि खाने वाले ना बहुत चक्के रह जाएंगे कि इतना स्वादिष्ट बना तो कैसे बना। पर प्रसाद बनाने का सामान वासन वो सब कहाँ है? हमरे भी तो सहायक है, वो ला रहे हैं। हाँ देखो वो आ गए। बहुत भारी है कबीर। रो मत रो तू, उठा चल। बच्चों आओ मेरे साथ आओ, इधर इस तरफ आओ, यहाँ पे। अरे दादा संभाल के। भाभी आपने इसे क्यों बुला लिया प्रसाद बनाने के लिए? पहले से काम दिया हुआ था जयती बहन, और अचानक मना करती तो नुकसान हो जाता ना उनका। किसी की रोटी छीनना अच्छी बात नहीं है ना। सच है, आपके दिल में ना कुछ ज्यादा ही दया है। आइए पधारिए। अरे मेहमान आवी गया हूँ, आऊ छू। माँ ऐसा कौन सा सच है मेरा, अभी बता दो ना प्लीज। अटली उतावली केम थाई छे बेटा? ये ऐसे जल्दी में करने वाली बात नहीं है केसर। वैसे भी अब 2-3 घंटे ही बचे हैं। हाँ अंबिका भाभी एमएलए साहब आ गए। हाँ अभी एमएलए साहब आ भी गया, खाने के बाद बात करेंगे। एमएलए साहब नमस्ते। नमस्ते, आज तो तुम्हें समय सर आ भी गया। आवो आवो आवो। हाँ वाह एमएलए साहब। जानने की ललक है तुमको तो हम बताते हैं तुमको सच बिटिया। मैं और इंतजार नहीं कर सकती माँ, आप नहीं बता रही तो मैं शकुंतला काकी से पूछ लेती हूँ। काकी अंबिका बहू। वाह क्या हुआ? बिठाइए पहले। बस 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 बैठिए भाभी। बता दर्शन की तबीयत कैम छे? आईसीयू मा छे बा, अभी तक होश नहीं आया है। अरिन भाई है वहां जयती बहन के साथ, डॉक्टर ने कहा जब तक होश नहीं आता कुछ कह नहीं सकते। मैंने दर्शन को कुछ नहीं किया है माँ, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हो गया और कैसे। मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती थी। केसर अधिकार से पहले कर्तव्य आते हैं। समय से उठ नहीं सकती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सब्र का तो नाम भी नहीं पता,
दिन भर कॉमिक्स में आंखें फोड़ती है, नाक पे गुस्सा हमेशा रहता है, बड़ों से बदतमीजी करती है, सड़कों पे बदमाशी करती है। क्यों बताऊं मैं तुझे सच? दुखी ना था अंबिका, वो जो बस में था तूने किया, पर होगा तो वही जो अंबे माँ ने रचा है। विश्वास का आकाश कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर जिंदगी की पतंग केवल इरादों की हवा से नहीं उड़ती। अच्छी बुनियाद का मांझा ना हो तो आज नहीं तो कल कट ही जाती है। जरूरत ही क्या थी, काहे किया इतना बड़ा गंड राजगौर हवेली में? तुझे बड़ी मरोड़े उठ रही है हाँ? और रुचुया क्या की, उसका कुछ नहीं? खेसर छोटी बच्ची है अम्मा, पर आप तो बड़ी है। उसके साथ सिंह लड़ाने काहे चली गई थी? बापू बताइए ना अम्मा को, समझाइए उन्हें। अरे सच झूठ जो भी थी, उसके परिवार की बात थी अम्मा, आपने ठेका ले रखा था क्या सब बताने का? वकालत का बहुत शौक चढ़ा तुझे, सर खुद पैसा दी सच जानने के लिए। पैसों के लिए इतनी बड़ी चोट पहुंचा दी उसे, आप इतनी लालची काहे हो अम्मा? पितृहर का छोकरा अपनी माँ को लालची क्या कह रहे हैं? 9 महीने पेट में पाले पोसे, इसी दिन के लिए कि आज तो हमें इस चार बात सुनाएगा हाँ? अम्मा लग रहा है लालची हम, हम लालची, किसी लालच के पैसा कमा के तुझे पाले हैं हम। जन्म के समय में अपना पेट फाड़ के डॉक्टर ने निकाला था ऑपरेशन से, देख 50,000 रुपए लगे थे, लंगोट नहीं डायपर पहनाया था लाख साहब को, और 3 साल में डायपर का खर्चा कितना हुआ बताए हम? तेरे जन्म से तेरे पर कितना लुटाए है जोड़ के बताए हम? ये देख 8,83,733 रुपये देख, हाथ में पैदा होने से लेकर पालने पोसने तक का हिसाब रखा है। आपसे अच्छी तो अंबिका काकी है, अनाथालय से लाए थे केसर को, इतना प्यार दिया पाला पोसा, लेकिन आज तक जताया तक नहीं। डांटना तो दूर, उसे आज तक ये भी नहीं बताया कि वो अनाथ है, ताकि उसे पराया होने का एहसास ना हो। चलो घी समर्पित करो। माँ मैं नहीं नहाई हूँ। आप ही छोरी ना हमारा सारा सामान गटर में फेंक के बर्बाद कर दी। आपके नुकसान के लिए मैं माफी मांग रही हूँ। बहुत उड़ ले चिरैया, अब बस। Oh.
अंबिका बहन, अंबिका बहन, अंबिका बहन, बस करिए। बारह साल पहले ये सूरत में सबके सामने आपने संकल्प लिया था ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। केसर को कभी आप अच्छी बहू नहीं बना सकती है। कभी 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 ठीक है तू? कभी क्या हुआ कभी? माँ आप मुझे इस घर में लेकर आई, प्यार किया, सब कुछ दिया मुझे, पर मैंने क्या किया? समय पर उठती तक नहीं थी, गुस्सा करती थी, पढ़ाई की जगह कॉमिक्स पढ़ती थी। आपको बहुत दुख हुआ होगा ना? जो बीत गया उसे लेकर दुखी मत हो बेटा। जब मैं गुस्से में भागकर बाहर चली गई थी ना, तो मैंने देखा कि सगी माए भी अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दे पाती है जितना आपने मुझ अनाथ को दिया है। पर अकाउंट्स की बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आप अकाउंट्स देख रहे, तो अभी देख रेख करी था मैं। ये तो अच्छा हुआ कि केसर की वजह से आज ये बात खुल गई, वरना ये भी केसर 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 सिर्फ ये अच्छी और हम सब बुरे है ना भाभी, इसके तो सात खून भी माफ है। इतनी बेइज्जती तो कोई परायों की भी नहीं करता भाभी जितने आपने इनकी की है। बचपन में इसे अपने हाथों से दूध पिलाया था, तब नहीं सोचा था कि एक दिन ये नागिन बनकर हमें ही डस लेगी। और मेरे पति से छोटी सी भूल हुई है भाभी, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है आप? गलती तो आपसे भी बहुत बड़ी हुई है भाभी, जब सालों पहले इस लड़की को इस खानदान की होने वाली बहू के रूप में आपने हम पर थोपा था। जवादों ने जीनल भाभी, इनकी आंखों पर तो केसर के नाम का चश्मा चढ़ा हुआ है, जब तक वो हटेगा नहीं ना इन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तमें चलो। तुम्हारी वजह से हमारे पापा की इतनी इंसल्ट हुई है। देख रही हूँ अंबिका, वो फिर कभी ये परिवार ना टूटे इसीलिए तू केसर को अपनी बहू बनाना चाहती थी, और आज इसी केसर की वजह से तेरा परिवार टूट रहा है। 12 साल पहले जिन अपनों ने तेरे संकल्प का मान रखा था, आज वो ही दामन छुड़ाकर तुझसे दूर जा रहे हैं। तारे निर्णय लेवानो छे अंबिका वो, कि तू अपने संकल्प के रास्ते पर अब भी आगे बढ़ेगी या उसे यहीं खत्म करके अपना परिवार बचाएगी। 12 साल पहले मैंने जो संकल्प लिया था बाप, वो गलत नहीं था, और ना ही आज केसर गलत थी। केसर गलत है कि नहीं ए तारे समझवानू छे अंबिका वो, मैं बस इतना समझती हूँ कि इस बच्ची की वजह से हमारे परिवार में दरारें पड़ रही हैं। ये दरारें तो उसी दिन पड़ गई थी बा, जब धीरेन का देहांत हुआ था और बापूजी ने परीम भाई और जिनेश भाई के होते हुए बिजनेस और परिवार की जिम्मेदारी मुझे दे दी थी।
केसर केसर केसर, सिर्फ ये अच्छी है और हम सब बुरे। इसके तो सात खून भी माफ है। बचपन में इसे अपने हाथों से दूध पिलाती थी, तब नहीं सोचा था कि एक दिन ये नागिन बनकर हमें ही डस लेगी। सुनो सुनो सुनो, आ गया है सूरत का सबसे फेमस उंगला बटाटा। अरे जल्दी जल्दी आओ और अच्छे से टेस्ट करो, फिर मत कहना। दर्द चाहे कोई भी हो, दवा यही है। अब बोतल खोलिए तो पीनी तो पड़ेगी। मैंने कहानी पढ़ी थी, एक लड़का था, शराब मिला था, तो जब भी जिसको भी छुएगा वो पत्थर में बदल जाएगा। वो चाहता था कि सब उसे प्यार करें, पर जो भी उसके पास जाता था पत्थर बन जाता था। इसलिए एक दिन वो घर छोड़ के कहीं दूर चले गया ताकि उसके वजह से कोई और पत्थर ना बन जाए। मुझे भी सबसे दूर चले जाना चाहिए। फाई, देखिए ना दर्शन का कितना मन है, उसे खाने दीजिए ना प्लीज। काकी, कचौरी सब्जी मैंने खास आप ही के लिए बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए खाई लो ने प्लीज। अंश, तुम भी वो खमन खा के देखो ना। तू इतनी उतावले क्यों हो रही है सबको खिलाने के लिए? कहीं तूने इस खाने पे कोई जादू तो ना तो नहीं किया? हो सकता है जयदेवन, ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। है गौ कल्याण। मैं सब ठीक कर दूंगी मासू, परिवार को जोड़ दूंगी मैं। सब मुझसे रूठ गए ना, मैं सबको मना लूंगी। कोई काकी, आप लोग ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, तो इतने खुश क्यों है? काय तो चक्कर छे। एक काम कर, ये सब खाना तूने बनाया ना, तो पहले तू खा और साबित कर कि तूने कोई जादू टोना नहीं किया। ठीक छे, वैसे भी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोर दी भूख लगी छे। पर फिर आप लोग ये मत कहना कि मैं आपसे छोटी हूं तो पहले क्यों खा लिया। बहुत आई छे तू बेटा, तेरी होने वाली सास ने तुझे बिल्कुल सही ट्रेनिंग दी है। अब बा, आप तो मुझे ये बताइए, आपके लिए नाश्ते में क्या लगाऊं? अनुभव थी कौशु बेटा, बात कड़वी छे, बुरा मत मानना। आज इन सब ने तेरा बनाया खाना केवल इसलिए खाया है क्योंकि परिंग को जवाब चाहिए था, किसी ने मन से नहीं खाया। अम्बे माँ करे कि मेरे जीते जी कभी एक दिन ऐसा भी आए कि इस टेबल पर पूरा परिवार बैठे और तेरे हाथों का बना खाना मन से खाए। जीती रहे बेटा। मासू, मैंने गलत किया? अगर गलत किया होता ना तो बात तुझे पहले ही टोक देती। पर उन्होंने अभी जो कहा वो भी तो सच ही है। बा उस जमाने की है केसर, जब परिवार में लोग हमेशा साथ रहते थे।
परिवार में बंटवारे का तो ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि लोगों को मालूम था कि उन्हें साथ रहना है एक ही छत के नीचे। आजकल की तरह नहीं कि अकेले रहने के शौक से या काम धंधे के कारण लोग अपने परिवार से ही अलग हो जाते हैं। मां को तो ऐसा परिवार चाहिए जो एक मुट्ठी की तरह साथ रहे, भले ही आपस में मतभेद हो पर मनभेद कभी ना हो। आज तो पूरे परिवार को एक टेबल पर साथ ले आई, अपना बनाया खाना खिलाया, ये तेरी छोटी सी जीत है केसर। पर याद रख जे, आगे लड़ाई बहुत बड़ी है। बड़ी जरूर है वासु, पर संभव तो नहीं। आपका संकल्प मेरा धर्म है, मैं इस परिवार के हर सदस्य का दिल वापस जीत लूंगी। याद है ना मैं हमेशा क्या कहती हूँ, असंभव में ही संभव की उम्मीद छुपी होती है। क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है।